अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुक विद ज़किया चौधरी। आज मैं आप लोगों के साथ एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। बहुत ही सिंपल, क्विक और मज़ेदार रेसिपी है। उसके लिए हमने राइस लिए हैं 2 कप, जिनको हमने भिगो दिया है, और हमने 2 अदद गाजरें लिए हैं जिनको हमने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, और हमने लिए हैं स्प्रिंग ऑनियन, शिमला लिया है हमने 2 अदद, इनको भी हमने काट लिया है, सिरका लिया है हमने 2 टेबल स्पून, सोया सॉस लिया है 2 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, 6 eggs लिए हैं हमने, लिया है ऑरेंज फूड कलर, नमक, काली मिर्च। सबसे पहले हम चावल बॉयल करते हैं। एक पैन में हमने पानी लिया था, पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। वन टेबल स्पून नमक। अब हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं। चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों को हम 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं, 1 कनी हमने कच्चे रखने हैं, और हम इनको छान लेते हैं और किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। एग्स को हमने अच्छे से फेंट लेना है, और इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक हम काली मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, और 1 चुटकी फूड कलर ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हमने अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेते हैं और इसमें एग्स डाल देते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। इसको हमने साथ साथ हिलाते जाना है। एग्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम वेजिटेबल्स फ्राई करते हैं। पैन में हमने ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देते हैं। इसको हल्का हल्का कुक करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर देते हैं। प्याज को भी हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें शिमला ऐड कर देते हैं। तो 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करते हैं, और अब इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं,
वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सोया सॉस, सिरका, इनको 3 से 4 मिनट कुक करते हैं ताकि सिरका और सोया सॉस का पानी खुश्क हो जाए। तीन से चार मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें एग्स ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं। राइस को और वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें धनिया ऐड करते हैं। फ्लेम को लो कर देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। हमारे एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।